सुत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। देवी, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? शास्त्र बहुत है, लेकिन इतने सारे शास्त्रों में मनुष्य के पास समय तो कम है, तो वो कैसे जाने कि किस से कौन से शास्त्र का आलंबन ले, शास्त्रों का सार क्या है? और भगवान यदि सर्व समर्थ जगदीश्वर है तो वो अवतार क्यों लेते हैं? जिनके संकल्प से संसार का सृजन हो सकता है, तो क्या वो भ्रिकुटी टेढ़ी करके दुष्टों का दमन नहीं कर सकते? उसके लिए उनको अवतार लेने की क्या जरूरत होती है? यदि उनकी इच्छा मात्र ही सृष्टि का सृजन पोषण और लय करती है, तो उनकी इच्छा मात्र दुष्टों का दमन भी तो कर सकती है, फिर भगवान को स्वयं अवतार लेकर आने की जरूरत क्या है? और उस परमात्मा का जन्म क्यों होता है, उसका उद्देश्य क्या है? और यदि भगवान ने अवतार लिए तो कितने अवतार लिए? भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, तो फिर जब भगवान लीला संपन्न करके विदा हो जाते हैं, तो फिर धर्म किसकी शरण में रहता है? ऐसे 6 प्रश्न सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने किए। सूत जी महाराज, कथा प्रारंभ करने से पहले अपने गुरुदेव का नाम स्मरण कर रहे हैं, आप भी हाथ जोड़ लीजिए और भगवान सुखदेव का स्मरण कीजिए। यम प्रब्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव उत्तरेति तन्मय दया तरवो विने तम सर्वभूत हृदय मुनि मान तो। यम प्रव्रजंत मनु वेदम, पिता पीछे पीछे दौड़े, पुत्र पुत्र तुम कहाँ हो, पुत्र तुम कहाँ हो? व्यास जी की व्याकुलता को देखकर वृक्षों ने भी पुकारा, बेटे तुम कहाँ हो, पुत्र तुम कहाँ हो? ऐसे अद्भुत यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया। मां के गर्भ से बाहर आना जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, 12 वर्ष तक मां की कोख में भी राजे भगवान सुखदेव, बाहर आऊंगा तो माया मुझे प्रभावित करेगी, भूमि परत बा डाबर पानी जिम माया जीवई माया लपटानी। जैसे निर्मल जल धरती की अंदर मिट्टी में पड़ते ही कीचड़ बन जाता है, भगवान ने आश्वासन दिया, तब सुखदेव प्रकटे और प्राकट्य के साथ ही वन की ओर अग्रसर हो गए। ऐसी ही उस झांकी का दर्शन करते सुखदेव भगवान उनके चरणों में प्रणत प्रणाम कर रहे हैं। वे सुखदेव जी समस्त श्रुतियों का मंथन जिन्होंने किया, आत्मा राम होकर ब्राह्मी वृत्ति को जिन्होंने धारण किया, वे भगवान सुखदेव प्रज्वलित दीपक की तरह जिनका तेज है, जिनका तप है, जिनकी वैराग्य वृत्ति सुदृढ़ है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाग जाने वाला ही वैरागी होता है, सबके दुख को अपना दुख मानने वाला और अपने सुख को सबके अंदर बांटने वाला वैरागी होता है। देखो देवियों, एक होता है वैरागी और एक होता है रागी। रागियों को तो जानती हो ना, तो तुम कहोगी दीदी माँ रागी तो हम स्वयं ही हैं, अपने पुत्रों के पुत्रियों के पुत्र वधुओं के, जिनसे चांटे खाते रहते हैं उन्हीं का पीछा करते रहते हैं, हम हैं रागी। और कुछ हैं जो छोड़ छाड़ के भाग गए, वो हैं वैरागी। लेकिन यहाँ चर्चा रागियों और वैरागियों की नहीं हो रही, यहाँ तो चर्चा अनुरागियों की हो रही है, जो भगवान के श्री चरणों के अनुरागी है। कैसा अनुराग चाहिए? जैसे मीरा के चित्त में था अनुराग। अगर आपके यहाँ कोई ज्योतिषी आ जाए तो क्या करती हो? हाथ दिखाती हो, जन्मपत्री दिखाती हो, फिर पूछती हो कि बताओ ज्योतिषी जी, विदेश यात्रा है कि नहीं, लॉटरी निकलेगी कि नहीं, ऐसे ही पूछती हो ना? हाँ, अमीरा जी को जब ज्योतिषी जी मिलते हैं तो वो क्या पूछती है?
सब्सक्राइब करें साध्वी रितंभरा जी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।